प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के पहले गंगा घाट ससमेत घाट के बाहर की तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूँ सुबह सुबह की, तो दोनों ही तरफ जो है कतार में लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर, गेट के बाहर हम खड़े हैं, और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रैक आज खाली करा दिया गया है। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और पहले सुबह गंगा आरती करेंगे दशाश्वमेध घाट पे, उसके बाद काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करेंगे, और उस वहाँ से फिर जो 11 बजे का जो समय है वहाँ वो अपना नामांकन दाखिल करने वहाँ पे कचहरी जाएंगे। 10 बजे का समय जो है काल भैरव का है, और उसके पहले गंगा आरती करेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस पूरे सड़क को प्रशासन ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे रोड को साफ कर दिया गया है, जो ये गोदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट की तरफ जो रास्ता जाता है। आप ये प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं, और तमाम लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन करेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं, आप लोग यहीं बनारस से हैं कहीं बाहर से आए हैं? बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो या प्रधानमंत्री मोदी को भी देखने का है? महाकाल जी के दर्शन के लिए तो आए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके दर्शन भी प्राप्त कर लें तो भी सही है। मोदी जी को देखने आए सर जी? जी मोदी जी को, हम लोग मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। ये देखिए, कल अच्छा वोटिंग थी 13 तारीख को, भाजपा को वोट दिया है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है। अच्छा, तो इस बार और किसका जोर है, इंडिया और एनडीए में? हमारे लिए मोदी जी हैं, जो है भाजपा के सामने कोई नहीं, कोई नहीं टक्कर में, वोट ओनली फॉर बीजेपी। तो पब्लिक का उत्साह आप देख सकते हैं, कुछ और कुछ कुछ है, एक भारत ओनली वन, भारत ओनली वन नेता नरेंद्र मोदी। चुनाव होने के बाद जो है परिणाम आएगा, कोई विपक्ष नजर नहीं आएगा, 400 पार मोदी, 400 पार के टक्कर में कोई नहीं। ये तमाम लोग देखिए, हालांकि अभी समय है, लेकिन कतारें पूरी तरीके से गोदौलिया चौक से लेकर के यहाँ तक लगी हुई हैं, और आगे घाट के तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें ज़रा इधर दिखाइए, कि पूरी तरीके से लोग जो है जैसे जैसे गंगा घाट की तरफ बढ़ेंगे, तस्वीरें भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। तो जब 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी पैदल चलते हुए इस रास्ते से गुजरेंगे जहां इस वक्त हम खड़े हैं, तो यहां भीड़ और ज़्यादा उमड़ के निकल के आएगी। तमाम लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कहां से आए आप लोग? हम तो लोकल हैं भैया। लोकल है जी भैया। तो इस बार लोकल मुद्दा कहा है? मोदी के जीतावल जी, और के जीतावल जी, देश में मोदी रहेंगे, मोदी के सिवा कोई नहीं, राहुल हो या अखिलेश हो, सब बेकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबकी बार मोदी सरकार। आप लोग कहाँ से आए मैडम? बनारस के ही हैं। तो इस बार बनारस में मोदी ही आएंगे। मोदी तो आएंगे, और देश में कौन आएगा? मोदी ही। पक्का? हाँ पक्का। तो ये बनारस के गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट के उस की तस्वीरें हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ से गंगा आरती करेंगे, उसके बाद अपने नामांकन का कार्यक्रम करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।